हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम इन वीडियो सीरीज के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं एक पीएफ मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से यूएन पोर्टल को एक्सप्लोर किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस और फैसिलिटीज पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा एक पीएफ मेंबर को ऑनलाइन दी हुई है और किस तरह से एक पीएफ मेंबर उनका फ़ायदा उठा सकता है और अपने पीएफ अकाउंट को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ऑप्शन की और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम गूगल पर टाइप करते हैं सिंपली यूएन मेंबर पोर्टल। आप डायरेक्टली ईपीएफओ भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप सिंपली यूएन मेंबर पोर्टल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेंबर होम, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सीधा हम मेंबर ई सेवा के पोर्टल पर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, तो हम हमारे मेंबर ई सेवा पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लिखा हुआ रहा है अपडेट, नो लास्ट डेट इज डिक्लेयर बाय ईपीएफओ, ई नॉमिनेशन नॉन मैंडेटरी फॉर फाइलिंग ऑफ एडवांस। इस तरह से कुछ भी जो अपडेट होता है वो इस वेबसाइट पर आता रहता है, तो आप ज़रूर टाइम टू टाइम उसको एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए अपने यूएन अकाउंट को। तो हम सिंपली सबसे पहले अपना यूएन और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन कर लेते हैं, अपने यूएन में लॉगिन कर लेते हैं। आई होप दोस्तों, मैंने आपको वीडियो बताया उसके द्वारा आप यूएन में किस तरह लॉगिन होते हैं, किस तरह से यूएन एक्टिवेट करते हैं, वो आपने समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ये अब लॉगिन करके देख लेते हैं। साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए हमारे सामने ई नॉमिनेशन का वही अलर्ट बार बार आता है। या से दोस्तों हम डायरेक्टली भी हमारा ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन और है, वहां पर जाकर भी हम हमारा ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, फाइल नाउ करेंगे तो डायरेक्टली आप ई नॉमिनेशन पर चले जाएंगे, अदरवाइज आप लेटर करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में मैनेज के ऑप्शन में केवाईसी तक देख लिया था, तो आज समझते ई नॉमिनेशन के प्रोसेस को। तो देखिए दोस्तों, ई नॉमिनेशन की प्रोसेस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से विंडो ओपन होती है। आपको अब यहाँ डिक्लेयर करना है हैविंग फैमिली और नो, यस और नो। यहाँ पर हम यस कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली है क्लोज, यानी कि मदर, फादर, वाइफ, बच्चे, तो आप यस करेंगे। और अगर इनके अलावा आपकी फैमिली नहीं है किसी कारणवश पे, तो आप नो के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ई नॉमिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें, जी हाँ, आपकी फ़ोटो आप डाल दें और अपना एड्रेस और मैरिटल एड्रेस सब कुछ अपडेट कर दें। मैंने पहले भी वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम हैविंग फैमिली नो पर क्लिक करते हैं तो क्या हमारे सामने ऑप्शन आते हैं। ये देखिए दोस्तों, आधार डालना होगा, नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको सेलेक्ट करना। रिलेशन में यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यानी कि आपकी फैमिली नहीं है, तो आप किसी को भी, चाहे ब्रदर सिस्टर, किसी को भी यहाँ से आप रिलेटिव आप डाल सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अब जानते हैं हैविंग फैमिली वाले, यानी आप यस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या होता है, किस तरह से हम ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। सिंपली हम आधार नंबर डालेंगे जिसको भी हमें नॉमिनी बनाना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन आ रहे हैं वाइफ, सन, डॉटर, डिपेंडेंट फादर, मदर, डिजी सन विडोज, डिजी सन सन, डिजी सन्स डॉटर। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जिसको हम हैविंग फैमिली में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसका भी हमें नॉमिनी बनाना है उसका हम आधार नंबर डालेंगे। मैं फटाफट आधार नंबर डाल देता हूँ और उसी के हिसाब से आधार में जो नाम है वो मैं फिल कर देता हूँ। दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा, ई नॉमिनेशन करते समय भी जो भी आप नॉमिनी डाल रहे हैं उसका एज पर आधार ही डिटेल आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ जो एज पर आधार है। अब जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और रिलेशन, रिलेशनशिप क्या है, वाइफ है तो वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे। और एड्रेस देखिए दोस्तों, आप अगर सेम एज इस मेंबर पर क्लिक करेंगे तो जो आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप मैनुअल करना चाहें तो मैनुअली भी आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करनी होगी, जो भी आपका नॉमिनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी फोटो आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो हम फटाफट से नॉमिनी की फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं,
प्रीव्यू करके देख लेते हैं सही है कि नहीं है। फोटो बिल्कुल सही है तो अब हम फोटो अपलोड कर देते हैं। अपलोड फोटोग्राफ, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अपलोड फोटोग्राफ? यस, ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से फोटो अपलोड हो गई है। एड्रेस, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ हमने अच्छी तरीके से अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर सिंपली रेडियो बटन क्लिक, अगर आपको कुछ ऐड करना है फैमिली मेंबर तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ऐड नहीं करना है नॉमिनी में तो सिंपली आप रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और सेव फैमिली डिटेल कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल हमें एक ही नॉमिनी ऐड करना है, तो ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर सेव फैमिली डिटेल, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फैमिली डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गई है। ये देखिए दोस्तों, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों ईपीएफ नॉमिनेशन, यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा कि ईपीएफ नॉमिनेशन, यहाँ पर देखिए हमें परसेंटेज देना होगा कि आप कितना परसेंटेज पर्टिकुलर नॉमिनी को आप ईपीएफ का देना चाह रहे हैं। इसको हम रेडियो बटन सिलेक्ट करके, नॉर्मली 100% ही होता है, अगर आप एक नॉमिनी चूज कर रहे हैं तो 100% होता है, अगर आपने दो नॉमिनी चूज किए हैं तो आप 50-50% भी दे सकते हैं। अब हम सिंपली सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों पहले क्या था, बैंक डिटेल भी डालनी होती थी, लेकिन अब ईपीएफ डिपार्टमेंट ने बैंक डिटेल मैंडेटरी नहीं रखी है, यानी कि आप बैंक डिटेल डालना जरूरी नहीं है इन नॉमिनी के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप वापस व्यू करके देख सकते हैं, एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, और सिंपली अगर सब कुछ सही है, ये देखिए मैं व्यू करके देख लेता हूँ कि जो डिटेल हमने भरी है वो सही है कि नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मैं ब्लर आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, लेकिन आप जब आप अपना नॉमिनेशन करेंगे तो इस तरह से आपको अपनी डिटेल दिखाई दे जाएगी। तो व्यू करके देख लिया, अब हम सिंपली ई साइन के बटन पर क्लिक करते हैं। ये बहुत सरल हो गया है दोस्तों, क्योंकि पहले बैंक डिटेल मांगी जाती थी तो दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब बैंक डिटेल हटा ली गई है इसलिए बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमसे कंसेंट मांगा जा रहा है ई हस्ताक्षर का। बाय क्लिकिंग द चेकबॉक्स आई हियर बाय गिव माय कंसेंट बाय फॉर यूजिंग इज केवाईसी सर्विस डेटा फॉर आधार। तो ये देखिए, थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। ये इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारे सामने ई साइन के लिए डेटा आ गया। आपको सिंपली या तो आधार नंबर डालना है या वर्चुअल आईडी डालना है, जो भी आपके पास में वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं और जो है ई साइन कर सकते हैं। मैंने आधार नंबर डाल लिया, अब आपको सिंपली आधार ओटीपी करेंगे और गेट ओटीपी, तो आपका जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा। अब जाओ, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया, सिंपली आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये मेरे मोबाइल पर जो भी ओटीपी आया मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और सिंपली अगर आपको सुनना है तो आप सुन भी सकते हैं, लिसन टू कंसेंट, और सिंपली हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। बस ये देखिए दोस्तों, पीडीएफ साइन सक्सेसफुल, यानी कि हमारा ई नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो गया, इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, आपको भी अगर ऐसा लगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, नॉमिनेशन सक्सेसफुल, यानी कि हमने अपना जो ई नॉमिनेशन है वो सक्सेसफुली कर लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से यूएन मेंबर पोर्टल पर हम हमारा ई नॉमिनेशन कर सकते हैं और हमारे नॉमिनी को पीएफ में नॉमिनी बना सकते हैं, कि किसी कारणवश से किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो जो पीएफ का पैसा है वो नॉमिनी को डायरेक्टली ऑनलाइन चला जाए। उस समय जब डिक्लेरेशन दिया था तब बैंक डिटेल पीएफ डिपार्टमेंट मांगेगा नॉमिनी का, तब आपको बैंक डिटेल भरनी होगी नॉमिनी को, और उस समय नॉमिनी के बैंक अकाउंट में वो डेटा आ जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी। थैंक यू वेरी मच।